मैं माफ़ी चाहती हूँ आशीष जी एक इंट्रोडक्शन देंगे और आपने खुद ने हमारे स्कूल के बारे में पता किया और हमें ऑफर किया कि आप आकर के हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हैं और ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि दिशा 1975 में शुरू हुआ था करीब 70 बच्चों के साथ में और एक छोटे कमरे में थेरेपी और एक्वानिक थेरेपी ये सारी थेरेपी शुरू हुई। उसके बाद में चूँकि हम एक सीमा तक ही बच्चों को ले सकते हैं, हमारे पास 170 बच्चे हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चे जिनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। मदर्स को हमने ट्रेन करने का 3 महीने का प्रोग्राम शुरू किया जो बहुत बेनिफिशियल रहा। मदर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। हमारे बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो दूसरे स्कूलों में जो बी ए टीचर्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल पीरियड होता है, वो डिप्लोमा होता है। उसको करने के बाद में वो टीचर्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होते हैं, उसके बाद हम उनको यहाँ रख सकते हैं। सो क्योंकि उन टीचर्स की बहुत कमी रहती है, बहुत कॉमन नहीं है वो कोर्स, इसलिए हमने खुद ने यहाँ पे बीएड और डिप्लोमा के कोर्स शुरू स्पेशल एजुकेटर्स बन जाते हैं। ब्रीफ में ये यहाँ का इंट्रोडक्शन है। बीएड जो कोर्स है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और डिप्लोमा जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से दोनों कोर्सेस सपोर्टेड है। सो आशीष जी को मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर फॉर अस। कृष्णा वैसे ही ये हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। हम लोग बाहर चीज़ों को देखते हैं एनर्जी के लिए, पावर के लिए, ताकत के लिए। हमारी जो यात्रा होती है वो बाहर की तरफ होती है। गुरु जी ने जो वो यात्रा है अपने अंदर की तरफ करी, अपनी मेडिटेशन की तरफ करी और इन्होंने उस मेडिटेशन टेक्निक से ये जाना कि जितने भी फिजिकल एलिमेंट होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट हुए, मानसिक कष्ट हुए, ये सब कष्ट हमारे लाइफ में आते हैं। लाइफ कभी एक सीधी रटी की तरह नहीं चलती है। लाइफ जिंदगी का मतलब ही है उतार और चढ़ाव। तो इस उतार और चढ़ाव में ही हमें सुखद और दुखद अनुभव होते हैं। तो ये सभी के जीवन के अभिन्न अंग हैं और ये आएंगे। शारीरिक कष्ट आएंगे, मानसिक कष्ट आएंगे, इनका समाधान लेकिन हमारे अंदर ही है। तो गुरु जी ने अपने रिग्रेस मेडिटेशन प्रोसेस से जाना कि हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने हमें पंचभूत शरीर दिया है, 5 एलिमेंट बॉडी दी है, इसी के अंदर एक एनर्जी है जिसको टैप करके हम अपने आप को सोल लेवल पे हील कर सकते हैं। ये माइंड है, हार्ट है, वैसे सोल है। तो सोल से हम यूनिवर्स एनर्जी को टैप करके, ईश्वर के हम सब बनाए हुए हैं, उस ऊर्जा को अपने कॉन्सेंट्रेशन से हम टैप कर सकते हैं और अपनी शारीरिक मानसिक व्याधियों को हम खुद हील कर सकते हैं। और हम अपनी हीलिंग के साथ साथ हम अपने चाहने वालों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स को, हमारे मनोविकारों को, इन सभी को हमारी ऊर्जा से, आत्मिक ऊर्जा से ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में गुरु जी आज अच्छा ऐसा बात करें, उससे ज़रूरी बात यह है ये एनर्जी को टैप कैसे करें, ज़रा सा फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन करेक्ट है कि आप किसी को फायदा देना चाहते हैं, कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, तो वो चीज़ भगवान जरूर करेगा और वो चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव लेके आएगी। चाहे वो फ्रेंडिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, या हमारे मेंटल फिजिकल कोई भी एलिमेंट हो। मैं अब गुरु जी को बताना चाहूँगा, मुझसे बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो डिवाइन हीलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है, क्या है। गुरु जी आपको खुशी बनाएंगे। तो आपसे जोड़ने आया हूँ,
क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विशेषकर बच्चे हैं, बच्चों से बात कर, ये सब मेरा जस्ट लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले हमारे घर का स्वस्थ बच्चा हो या अस्वस्थ, जिस प्रकार हम जिम्मेदारी लेते हैं हमारे बच्चों की, उसी प्रकार आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि दिशा फाउंडेशन रेणु जी ने बताया उन लोगों ने पढ़ाए बच्चों की जवाबदारी है। एक बार इस संस्था की तौर पर ताली बजाएं आप लोग, जो भी शक्ति है वो शक्ति जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, वो शक्ति जिसे हम अल्लाह का नाम देते हैं, वो शक्ति जिसे हम जीसस का नाम देते हैं, वो शक्ति जिसे हम गुरु का नाम देते हैं, गुरुद्वारे का नाम, वो शक्ति डिवाइन शक्ति जो हमारी सांस से संचालित है। आपके सांस आप चला रहे हैं, यस को चला रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, कोई रोक सकता आधे घंटे में सांस, एनीबॉडी के स्टॉप चल रही फॉर हाफ एन आवर, तो कोई ना कोई शक्ति है जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं और हमारी सांस संचालित कर रहे हैं। तो वो शक्ति क्या कह रही है आप, जो हो सकता है रेणु जी ने सुनी और जो मिले बात उन्होंने सुनी जो वॉलंटरी काम करा, वो शक्ति है कहती है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो जो मैं चाहता हूँ, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो जो मैं चाहता हूँ, कर ऐसा जो मैं चाहता हूँ होगा हो जो तुम चाहो, ऐसा कर। तो ईश्वर जो है शक्ति क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो बनाए गए बनते हैं, जो किसी न किसी दादा जी के कारण कोई ना कोई शारीरिक उदाहरण में ग्रस्त है, उनकी मदद को करें, तो उसकी मदद करें बस। ये पीछे तो बहुत बड़ा रेणु जी है, सब लोग हैं, तो जवाब है आपकी जवाबदारी के साथ है कि हम अपने आप को जल्दी स्वस्थ करें और स्वस्थ के साथ इस मिशन में जुड़े। मैं शुरुआत में ही करना चाहूँगा आपकी दिशा फाउंडेशन क्योंकि आपको कोई भी मेरे लायक ये सब ही काम है, तन मन धन सब यहाँ पर आपके साथ उपस्थित हूँ। मैंने कोशिश करी गूगल में किया ढूंढा, मेरे जो बताया 1995 में पढ़ा हुआ गूगल पर अपडेट है, तो यहाँ पर मैं एक शक्ति है जो आपके अंदर विद्यमान है। हमारे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है लेकिन एक गार्ड पार्टिकल आपके मौजूद है, मैं आपको उस पार्टिकल से मिलाना है। बच्चों की बात छोड़ दो, बच्चे अपने घर के हिसाब से परेशानी में हैं, लेकिन आप अगर आपसे जुड़े तो आपको कहीं जाने की जरूरत है। आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर इसीलिए जाते हैं, ना कहीं भगवान पत्थर में है, ना मूरत में है, ना सूरत में है, ईश्वर कहाँ है वहाँ जाते हैं, तो ईश्वर आपके अंदर है। कहानी सुनती आप लोग कि भगवान को सब ढूंढने का, एक बच्चा भगवान को ढूंढने का, बोले भगवान क्या होता है, मंदिर में जाता नहीं मिला, मस्जिद में गया माने नहीं मिला, भगवान इतना जरूर था, भगवान नहीं गया, भगवान आपके अंदर ही मौजूद है। लेकिन हम सभी बीमार बच्चों को, क्योंकि बीमार तो सभी किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त है, कोई शारीरिक पीड़ा से, कोई मां, इसमें मैं आपका साथ इसलिए करूँगा कि केवल मैं आपको जो बोलूँ आपको फॉलो करूँ, फिर आप देखिए मैं आपकी शक्ति से मिलाऊंगा, आपके गार्ड पार्टिकल से आपको मिलाऊंगा, और बहुत पार्टिकल आपकी मदद करने को तैयार रहेगा, हर पल आंखें बंद करोगे आपके साथ 24 घंटे का भगवान आपके साथ है। लेकिन हम मंदिर में ही जब भगवान को देखते हैं दर्शन करते हैं, ओके आना समझ में। एक और कहानी सुनो, एक छोटा सा बच्चा था, आराम में खबर में आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा था, वो गया एक टेलीफोन बूथ के लिए, बोले टेलीफोन कर सकता हूँ, बोला ठीक सर। उसने एक फोन लगाया, फोन लगाने के बाद वहां से आवाज आई, बोले बोले बेटा मैं आपको नौकरी करना चाहता हूँ, आपके मैं आपके काम करना चाहता हूँ। बोले नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का काम करता है, मुझे जरूरत नहीं है,
बोले नहीं मेरे एक ध्यान दो मेरे पास एक उस पर फोन रखा बच्चे ने वो दुकानदार ने उस बच्चे की लगन चिंता को देखने कहा कि बेटा तो मेरे पास काम नहीं है बोले नहीं मेरे पास तो नौकरी है मैं वही बात कर रहा था जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ वो मेरे मालिक मेरे से संतुष्ट है कि नहीं इस बात का पता लगाने के लिए मेरे फोन लगाए तो आप लोग भी अपने आप से बात करें क्या
Krishna. छोड़ने में
एक बच्चा दो बच्चा एक पूरे ऑन टाइम चाहे तो दसों को लगातार कर सकती है, दसों को इंटरनेट कर सकती है। मेरा दावा है, मेरे कोई शब्द नहीं, मैं भी एक पाँच तक का शेड्यूल हूँ, आपको बच्चों में परिवर्तन 1001% मिलेगा। उसी जज्बे से करिए कि मेरा खुद का बच्चा होता तो मैं क्या करता, क्योंकि बच्चे का काम है क्रोध करना, गुस्सा करना, ये उनका स्वभाव। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा विशेषकर वो बहनों से जो दत्तर बच्चे संचालित करती हैं, वो कृपया इतना मैं ब्लेस कर रहा हूँ, केवल मैडम खड़ी हो जाए प्लीज, जो मैडम करती है वो खड़ी हो जाए प्लीज। और वन बाय वन देखिए, आप जो भी बच्चों में चाहती हैं इसको हिसाब से उसको सुधार हो, जो बच्चों को रखता है आपको तैयारी कर सकते हैं उसको इस प्रकार हम पूरा रखना 11 बार सांस।
Thank you.
आगे कर देना। Thank you.
Gracias.